फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचडी नॉलेज टॉक, ए फ्री एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एजोला के ऊपर, इसका एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर में इसका कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे क्या क्या हमें फायदा हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल एचडी नॉलेज टॉक को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये सब्सक्राइब का जो बटन है नीचे लाल रंग का, इसको प्रेस करके आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई आने वाला अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिस ना हो जाए। लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैंने कहा है इस एजोला के ऊपर, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पहले एजोला क्या है वो हम समझते हैं। एजोला इज ए यूनिक फ्रेश वाटर फर्न, ये एक फर्न है टाइप ऑफ, और ये एक फास्ट ग्रोइंग फर्न है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद साइनोबैक्टीरियम कॉल एनाबिना। ये एक एनाबिना जो साइनोबैक्टीरिया है उसके साथ इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। वो एनाबिना आपको नाइट्रोजन एसिमिलेशन में हेल्प करता है और उससे इस एजोला को हेल्प मिलता है। और ये इसका जो एजोला का जो बायोमास है ये 3 से 10 दिन के अंदर ये डबल हो जाता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप जानते हैं एजोला क्या करता है। एजोला जो वाटर सरफेस है ना ऐसे देखता है, इसको पूरा कवर कर देता है। इसके इससे क्या हेल्प होता है, जो लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो बंद हो जाता है और जो इसका जो सीड जर्मिनेशन वो 70% तक रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या हेल्प होता है, जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का जो यूटिलाइज करता है फार्मर वो बहुत कम करना पड़ता है और ना के बराबर भी करने में चला जाता है होता है और इससे फार्मर को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड अपटेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड थ्रू इट रूट सिस्टम। तो इसका क्या मतलब है, ये नाइट्रोजन एटमोस्फियर से जो नाइट्रोजन इसको फिक्स करता है और फोटोसिंथेसिस करता है और जो ये न्यूट्रिएंट ये वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ये एजोला अपटेक करता है। अब ये इसका जो यूज है वो वाइड रेंज तक इसका यूज होता है। ये कैटल फीड, पीग, चिकन, डक एंड फिश इसके लिए, ये खाने के लिए एजोला बहुत हेल्पफुल होता है। इसको बायो फर्टिलाइजर भी इसको यूज कर होता है एग्रीकल्चर फील्ड में इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए नेचुरल सोर्स ऑफ क्रूशियल न्यूट्रिएंट एंड नाइट्रोजन। और ये सॉइल का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद ये ग्रीन मैन्योर, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार होता है उससे, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है तैयार करने के लिए जो ग्रीन मैन्योर है उससे वहां पे ये एजोला यूटिलाइज होता है और ये यील्ड को 15-20% तक इंक्रीज कर देता है। ये वाटर प्यूरिफायर के हिसाब से भी काम करता है, ये वाटर को ठीक रखने के और प्यूरिफाई करने के लिए ये एजोला का यूटिलाइज होता है। उसके बाद जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल के लिए ये एजोला यूज होता है। और ये जो मस्क्यूटर्स है जो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये एजोला यूज होता है। और द रिडक्शन ऑफ एमोनिया वोलाटिलाइजेशन विच एकॉम्पनीज द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो एमोनिया का जो वोलाटिलाइजेशन होता है जब वो केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई होता है वहां पे अगर एजोला यूज होता है उसके साथ तो उसका जो वोलाटिलाइजेशन एमोनिया का वो बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।